एक बार फिर से सड़क पर दरिंदगी हुई है। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और टक्कर के बाद स्कूटी सवार को घसीटा गया। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है और सभी पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया ये जा रहा है कि पांचों आरोपी शराब के नशे में थे, लेकिन जिसके बाद ये हादसा हुआ, कंझावला जैसी दरिंदगी एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिली है। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी और जो स्कूटी सवार है वो काफी दूरी तक घिसटता हुआ गया। तस्वीर भी सामने आ चुकी है और उसके बाद इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जो कि नशे की हालत में थे, ये स्पष्ट हो चुका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कैसे आज भी ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, शराब के नशे में गति पर नियंत्रण नहीं है और आए दिन ऐसे हादसों ने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सभी पांच आरोपी नशे में धुत थे जिस वक्त इन्होंने टक्कर मारी, इन्हें पता नहीं लगा और कैसे एक स्कूटी सवार घसीटता गया, आप देखिए काफी दूर। ये सिर्फ एक एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1,00,000 तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अभी तक और फिर उसकी मौत हो जाती है, ये बड़ी खबर है। ये खबर कई सवाल खड़े करती है। दिल्ली में कंझावला पार्ट टू। सावधान, दिल्ली में दानव घूम रहे हैं। आधी रात को दहशत के 350 मीटर। ये 26 और 27 जनवरी की दरमियानी रात है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें दिल्ली के केशवपुरम इलाके की हैं। रात 2:57 पर पहले 10 सेकंड में आपको सब कुछ सामान्य लगेगा, लेकिन अचानक यहां से एक कार गुजरती दिखती है। कार के विंडशील्ड और बोनट के बीच फंसा एक व्यक्ति जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। क्या इस कार की हालत को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना ज्यादा जबरदस्त रहा होगा? इसका जो बोनट है उसकी हालत कैसी है? और वहीं इसी के साथ में जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ब्लड के निशान हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसी जो बोनट और जो शीशा है इसी के बीच में आकर के जो स्कूटी सवार जो ड्राइवर था वो इसमें फंस गया था और उसके बाद में इसको घसीटता हुआ आगे की तरफ ले गया। वहीं स्कूटी पर बैठा पिलियन राइडर कार से टकराकर सड़क पर जा गिरा, लेकिन कार चला रहे और उसके साथ बैठे चार दूसरे लोगों के सिर पर न जाने कौन सा नशा सवार था। पुलिस के रोकने तक ये लोग कार को घसीटते रहे। टक्कर कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा आप स्कूटी की हालत देखकर लगा सकते हैं। इस स्कूटी की हालत को देखिए और फिर आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार कितना भयानक ये हादसा है। और इसी स्कूटी पर दो लोग सवार थे जो कि जींस बनाने का काम करते हैं और इसकी आगे की नंबर प्लेट आप देखेंगे और इसी पर टक्कर मारने के बाद ये स्कूटी जो थी ये भी आकर के बोनट पर फंस गई थी। स्कूटी को टक्कर मारने वाले कार में सवार सभी आरोपी छात्र हैं और इन्होंने शराब पी रखी थी। ये लोग एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। तो आगे जो फंस गए थे, जिनका बोनट में टकरा के फंस गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी और हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड डिक्लेयर हुए और साथ में दूसरे व्यक्ति को जो इनका इलाज चल रहा है उनको हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इसमें पांच लोगों को फर्दर पकड़ लिया, टोटल इसमें पांच लोग पकड़े हैं। दो लोगों को मौके से पकड़ा था और फिर उनके इंस्टेंस पर फर्दर इंटरोगेशन के दौरान तीन लड़कों को और पकड़ लिया है। दे वर एलिजिबली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। जी न्यूज ने दिल्ली पुलिस के उन जाबाज पुलिसकर्मियों से भी बात की जिनकी बदौलत आरोपी मौके पर ही पकड़ लिए गए। अब आप 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच की रात की इन तस्वीरों को देखिए। कंझावला में एक लड़की को कार के नीचे घसीटा गया और अंजलि नाम की लड़की की दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन दोनों घटना में एक सवाल कॉमन है, दिल्ली को आखिर क्या हो गया है? नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। मेरे सहयोगी प्रमोद शुक्ला इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, इस पूरे मामले में पांचों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच कहां तक पहुंची है, क्योंकि ये दूसरी ऐसी घटना है जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। बिल्कुल उपायुदी, पूरी तरीके से अगर दोनों घटनाओं की बात करें, 31 दिसंबर और 1 जनवरी को कंझावला में जिस तरीके से
13 किलोमीटर के दायरे में अंजलि को घसीटा गया, उसकी मौत हुई। उसमें 5 आरोपी थे और 26-27 की रात को दो स्कूटी सवार दो युवकों को टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। उसमें भी 5 आरोपी हैं और दोनों ही मामलों में जो आरोपी थे वो शराब के नशे में थे। अगर हम इसकी मूल समस्या के अंदर जाएंगे तो जो ड्रंकन ड्राइव है वो सबसे बड़ी समस्या है और जिसको रोकना पुलिस के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पुलिस को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। 5 को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनके ऊपर भी कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगाया गया है। और साथ में ये जो 5 लोग थे ये शादी समारोह से आ रहे थे, शराब के नशे में थे और सबसे बड़ी टक्कर लगने के बाद गाड़ी लेकर भागने के पीछे भी वजह यही थी कि ये शराब के नशे में थे। इन्हें डर था अगर ये रुकेंगे तो पकड़े जाएंगे क्योंकि शराब पिए हुए थे। लेकिन यहाँ पे पुलिस ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस टाइम दिखाया है। 16 सेकंड में गाड़ी को ओवरटेक करके 2 आरोपियों को पकड़ लिया था और बाद में उनकी उनके बयान के आधार पे बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें कैलाश भटनागर की मौत हो गई है जबकि सुमित खारी है उसका इलाज चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, दोनों ही घटनाओं में शराब पी के गाड़ी चलाना वो सबसे बड़ी वजह सामने आई है और पुलिस को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी क्योंकि अभी तक ड्रंकन ड्राइव के चलान जो है वो बार पब या होटल के प्रमोद एक और अहम सवाल इसी बीच है जो कंजावला केस में भी उठ रहा था। सवाल ये है कि ये 5 आरोपी तेज गति से शराब के नशे में अपनी गाड़ी चला रहे थे, क्या बीच में कहीं पुलिस की गाड़ी इन्हें नहीं मिली या पेट्रोलिंग करती हुई पुलिस या किसी भी रडार पर ये लोग नहीं आए? देखिए बिल्कुल, जो पिकेट्स होती है क्योंकि 26 जनवरी की रात और 27 जनवरी की रात का ये वाक्या था। 26 जनवरी की गणतंत्र परेड के दौरान बहुत भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था और उसके बाद थके हुए थे, सुबह से ड्यूटी थी तो 26 जनवरी की रात को बहुत ज़्यादा जो है वो पुलिस सड़कों पे नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार देर रात 12 बजे के बाद शराब पी के गाड़ी चलाने के मामले हमने देखे हैं क्योंकि पुलिस की जो प्रेजेंस है वो रात में बहुत कम हो जाती है, जो पिकेट्स होती है वो ज़्यादा नहीं होती है। अगर पिकेट्स लगाई भी होती है पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होता। पुलिस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी क्योंकि ऐसे जो इलाके हैं चाहे वो नॉर्थ वेस्ट हो, आउटर डिस्ट्रिक्ट हो, रोहिणी डिस्ट्रिक्ट हो, ऐसे इलाकों में जो है रात को ड्रंकन ड्राइविंग के चलान के लिए तो फिर कोई विकल्प ही नहीं हुआ ना, जैसा आपने कहा कि फिर तो आपको अपनी रणनीति बदलनी होगी, आपको विकल्प तैयार करने होंगे कि अपनी मौजूदगी आप दर्ज कराएं। और ऐसे बेखौफ लोगों में, अपराधियों के भीतर खौफ आना चाहिए। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।